नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। कोरोना विस्फोट के साथ लॉकडाउन, शहरी क्षेत्रों में पसरा सन्नाटा, जिम्मेदार अधिकारी निकले भ्रमण में। वहीं बता दें कि एक मेडिकल स्टोर को किया गया सील। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले में, जहां कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। लगातार पूरे प्रदेश के साथ रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो खतरे की घंटी है। प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश भर के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से 60 घंटे के लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए हनुमना नगर में भी SDM AK सिंह के मार्गदर्शन तथा तहसीलदार अजय मिश्रा के कुशल निर्देशन में प्रशासनिक अमला पूरे लाव लश्कर के साथ पैदल मार्च निकाल कर खुली दुकानों को बंद कराते सख्त नजर आया। वहीं बता दें कि दूसरे शनिवार 10 अप्रैल को भी पूरी तरह नगर में पसरा रहा सन्नाटा। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान रहे बंद। बताते चले कि शाम 7 बजे पेट्रोलिंग के दौरान हरिवंश मेडिकल स्टोर को बिना मास्क लगाए ग्राहक को बिक्री करने के आरोप में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। लॉकडाउन का असर कोविड-19 वैक्सीनेशन पर भी पड़ा। वैक्सीनेशन केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना में ग्रामीणों की संख्या नहीं के बराबर देखी गई है। सड़कों पर वाहनों की भीड़ भी नहीं दिखाई दी। देखिए हनुमना ब्यूरो संपत दास गुप्त की रिपोर्ट। आदरणीय SDM साहब, लॉकडाउन के तकरीबन 20 घंटे हो रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आप व्यक्त करना चाहेंगे? लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और सभी स्टाफ के आदेश का लोग भारत कर रहे हैं। हम लोग इसको लगातार उसकी मीटिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। अभी तक उनका अच्छा समय। लॉकडाउन के पूर्व जो अभी तक कदम उठाए गए, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? इससे पहले हम लोग मास्क बनाने को लेकर के जागरूक करते रहे हैं। इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं, सभी लोग मास्क लगा कर बैठ रहे हैं, शहर में मार्केट करने के लिए जिम्मेदार है, उन लोगों के अंदर भी मास्क की प्रति जागरूकता पैदा हुई है। अब इसको और उन लोगों को प्रयास करना होगा कि सभी लोग मास्क का जल्दी इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क के बजाय न घूमें, भीड़ न लगाएं, सामाजिक दूरी बना करके रखें और ऐसा हमारा प्रयास करें। धन्यवाद।